कोरोना को हम लोग भगाते हैं, कोरोना आदिवासी को देख करके भागता है। आज रैली हो रहा है यूपी में, चुनाव है ना, तो उसमें कोरोना नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। सरहुल पूजा महोत्सव को लेकर केंद्रीय संघ समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कार्यालय में एक बैठक रखी गई। केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की वजह से 3 साल से सरहुल पूजा नहीं मनाया गया, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या कम होते देख सरहुल पूजा महोत्सव मनाने के लिए हम लोग ने आज बैठक आयोजित किया। जी, आज सरहुल पूजा महोत्सव को लेकर केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के केंद्रीय कार्यालय 13 RTI बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में बैठक रखी गई है। COVID-19 को प्रभाव से 3 सालों तक सरहुल पूजा नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार जो है कोविड का प्रभाव कम हो रहा है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस बार सरहुल पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और इस बार सरहुल पूजा महोत्सव 3 अप्रैल को उपवास और मछली केकड़ा पकड़ना है और जलरखाई पूजा भी है, और 4 अप्रैल 2022 को पूजा एवं सरहुल शोभा यात्रा है, और इसको लेकर हम लोग बृहद तैयारी कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह का माहौल है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको शांतिपूर्ण ढंग से और बड़ी ही धूमधाम से मनाएगा, क्योंकि सरहुल महोत्सव प्राकृतिक से जुड़ा हुआ त्यौहार है। आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृतिक से जुड़ा हुआ है, जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत, तो सरहुल के दिन में आदिवासी समाज के लोग अपने प्रकृति को, अपने आराध्य को पूजा करने के लिए वो बहुत ही उत्साहित रहते हैं और उसके लिए वो महीनों दिन से तैयारी करते हैं। और इस बार जो है हमेशा से द्वितीया में आपका उपवास है, मछली के कड़ा पकड़ना होता है, और शुक्ल पक्ष तृतीया में सरहुल शोभा यात्रा और सरहुल पूजा संपन्न होती है। इस बार उसी अनुरूप में हम लोग बहुत ही धूमधाम से सरहुल पूजा मनाने का विचार किए हैं। पिछले 2 वर्षों से लॉकडाउन था तो शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी, तो इस साल आप लोगों को परमिशन मिल गई प्रशासन से कि आप निकाल सकते हैं? जी, निश्चित तौर से इस बार हम लोग अपने से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरहुल शोभा यात्रा निकालेंगे, और सरकार से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे, चूँकि आदिवासी समाज सरहुल कर्मा मना के अपनी धर्म संस्कृति परंपरा को बचाने का काम करती है। अगर इस तरह से यदि हमेशा हम लोग सरहुल कर्मा नहीं मनाएंगे तो हमारे जो धर्म संस्कृति है आदिवासियत समाप्त हो जाएगी, इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि इस बार जो है सरहुल हम लोग मनाने का मन बना लिए हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि इसको मनाने के लिए भी अनुमति दिया जाए। शोभा यात्रा निकालने का तो हम लोग मन बना चुके हैं, प्रशासन और सरकार से हम लोग वार्ता करेंगे कि हम लोग को शोभा यात्रा निकालने का परमिशन दें। हालांकि बीते वर्ष जो ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारे लोग निकले और किए, शहर का जो शहरी क्षेत्र का जो है शहरी क्षेत्र में ही कार्यक्रम नहीं हुआ। इस बार हम लोग का पूरा प्रयास है कि सरकार और प्रशासन हम लोगों को खुद परमिशन दे, और हम लोगों का तैयारी गाँव-गाँव में चल रहा है, और शोभा यात्रा के नाम से जो सते हुए शहर के चारों तरफ जो है मतकम है, हाथमा है, हेहल है, तमाम इलाका में काफ़ी उत्साह का माहौल है कि इस बार हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे। तमाम हमारे आदिवासी समाज जो है शोभा यात्रा निकालने के लिए मन बना चुकी है। मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास करेंगे, हर स्तर से प्रयास करेंगे कि हम लोगों को परमिशन मिले। आज रैली हो रहा है यूपी में, चुनाव है ना, तो उसमें कोरोना नहीं है, हमारा शोभा यात्रा में कोरोना हो जाएगा। देश का उपराष्ट्रपति बोले हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो आदिवासी पद्धति में जीना सीखो। पद्धति में ये ताकत है, और हम लोग प्रकृति के साथ हैं। कोरोना को हम लोग भगाते हैं, कोरोना आदिवासी को देख करके भागता है, क्योंकि हमारा जो विधि व्यवस्था है, हमारा जो रहन सहन खान पान है, वहाँ कोरोना आने का कोई रास्ता है ही नहीं।
अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।